सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबके दुआ की वजह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह हो चुकी है और अभी बज रहे 11। वैसे थोड़ा सा लेट उठी हूँ मैं, मतलब 10 बजे उठी हूँ मैं सो के। तो अभी कुछ बनाते हैं इंटरेस्टिंग सा नाश्ता। हम तो हमेशा ही ऑलवेज, मैं क्या बताऊँ, मेरे घर में इतने चूहे हो गए हैं ना कि एकदम परेशान हो गए हैं हम लोग बहुत ज़्यादा। अब सारे के सारे पीछे मार्केट से आ रहे हैं और समाधान नहीं निकल पा रहा कि क्या करें उन चूहों का, हम कैसे उनसे जूझे और किस तरह से, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीज़ों को बर्बाद करके रख दिया काट वाट के। इन लोगों की आवाज़ जो इतनी तेज़ होती है ना, और छोटे छोटे चूहे नहीं है वो, काफ़ी बड़े बड़े, आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे, इतने बड़े बड़े चूहे आ जाते हैं। एनीवेज हम चलते हैं अभी किचन में और बनाते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नाश्ता। डेली का अगर रोटी सब्जी खा खा के आप बहुत परेशान हो चुके हैं, तो मेरे पास है आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूनिक सा रेसिपी जो कि मैं हमेशा अपने नाश्ते को लेके एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। डेली रोटी सब्जी मुझे भी बहुत बोरिंग लगता है खाना, तो जब भी चिकन या मटन वगैरह आता है तो मैं उसमें से कुछ पीसेस निकाल के रख देती हूँ हमारे इंटरेस्टिंग से नाश्ते की रेसिपीज के लिए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन और आलू के भरते के साथ मिक्स करके उसका यम्मी सा पराठा तैयार करूँगी और खाऊंगी भी, और आप लोग भी ज़रूर उस रेसिपी को ट्राई करिएगा। ऑब्वियसली चाय के साथ ही अच्छा लगेगा, नहीं तो आप चटनी या मेयोनीज सॉस के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में और बनाते हैं इस नाश्ते को। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आलू जो है वो बॉयल करवा लिया था अम्मी से, तो मेरा आलू जो है वो बॉयल हो चुका है। तो इसको सबसे पहले एक बाउल में हम लोग निकाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से हम लोग मैश कर लेंगे। ये क्या इतना कड़ा क्यों लग रहा है, बॉयल नहीं हुआ क्या? अच्छा अच्छा हो गया हो गया। वो होता है ना, कुछ कुछ आलू थोड़े से हल्के से कड़े रह जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ, लेकिन ऑलमोस्ट ये बॉयल हो चुका है। तो अभी इसको अच्छी तरीके से ग्लास की मदद से मैश कर लेंगे। अब मैंने इसमें चॉप कर लिया है प्याज, हरी मिर्च, लाल मिर्च और धनिया का पत्ता। हरी मिर्च नहीं था तो मैंने लाल मिर्च का यूज़ कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा कढ़ाई में तेल लेंगे और उसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम लोग लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट और इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ चिकन की कुछ पीसेज जिसको मैंने ऑलरेडी फ्राई करके छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लिया है, और इसको इसमें ऐड कर देंगे। अब मैंने इसमें ऐड किया हल्दी, लाल मिर्च और गोल मिर्च का पाउडर, और ऑयल का जो यूज़ मैंने बहुत इसमें कम किया है वो इसलिए क्योंकि हमें जो पोटैटो है उसको फिल करना है। अगर आप ज़्यादा ऑयल दे दोगे ना तो अच्छे से फिल नहीं होता है, वो बाहर की तरफ निकलने लगता है, इसलिए कम ऑयल ही देंगे ताकि वो सूख कर जाए बहुत अच्छे तरीके से। और अब इसमें ऐड कर देंगे आलू, ऑब्वियसली नमक अपने स्वाद अनुसार, और अब हम जल्दी जल्दी फिल कर लेंगे। इस तरह से लोई ले लेंगे बड़े बड़े, जिस तरह के आपको जिस हिसाब का चाहिए, जितना बड़ा साइज़ आपको खाना आप उस हिसाब से उसके बाद इसमें फिल करके इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसको इस तरह से इतना बड़ा शेप दे देंगे। उसके बाद इसको हम बेल लेंगे। और तवा हमारा ऑलरेडी हीट हो चुका था तो मैंने तवा पे एक पराठा रख दिया, तब तक मैं यहाँ पे दूसरा बेल लेती हूँ। एंड फाइनली अब हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से क्रिस्पी करारे, जिस तरह से आपको खाने आप उसी तरह से फ्राई कर लीजिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्रिस्पी में ही फ्राई करूँगी क्योंकि चाय के साथ लेंगे तो क्रिस्पी फ्राई करेंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। चाय जो है मैंने ऑलरेडी बना लिया है और अब जल्दी जल्दी इसको फ्राई कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर मैं चाय डाल रही हूँ, ये मैं यूनुस के लिए दुकान में उसका जो नाश्ता है भेज रही हूँ, क्योंकि जब तक वो आएगा खाने के लिए तब तक वो बहुत ठंडा हो चुका होगा, तो मैं चाहती हूँ वो भी गरम गरम खा ले। शूट करी थी काफ़ी टाइम बाद, मैंने साड़ी को पहना था, ये बहुत ज़्यादा चूड़ी हो गई है तो इनको थोड़ा सा मैं अभी निकाल दी हूँ। वैसे ये आप देख सकते हो जो चूड़ी है ना, इसको रेशमी चूड़ी बोलते हैं जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है।
और ये गुवाहाटी में नहीं मिलता है, अम्मी आई थी तो वो मेरे लिए लेके आई थी, तो इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इतना ज़्यादा आप डेली वेयर नहीं कर सकते हो, है ना। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है भर भर के पहनना, बट एट द सेम टाइम जब आपको गर्मी महसूस होती है तो मन करता है उस वक्त ये उतार दें, तो इसलिए मैंने बस चार चार कर दी। इसी का सेम मिलता है रेड, जो कि गोपी उसको कहते हैं, वो भी बहुत ही प्यारा होता है, वो भी पहनने में बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है काफ़ी। तो ये दोनों ही लाल चूड़ियाँ मेरी बहुत फेवरेट है, रेशमी और गोपी। रेशमी का क्या है, इसमें शाइन वाला लुक देता है और वो थोड़ा सा आपको मैट लुक दे देता है। सो गुवाहाटी में तो मिलती नहीं है चूड़ियाँ, यहाँ ज़्यादातर लोग बैंगल्स पहनते हैं, और पटना में ही चूड़ियों का खजाना है, खजाना। पता नहीं यहाँ पे क्या काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं, धुआं धुआं एकदम हुआ हुआ है, आई डोंट नो क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं थोड़ी देर के लिए डर गई थी कि ये धुआं कहाँ से इतना ज़्यादा आ रहा है, देखते हैं थोड़ा, देखते हैं। ये मार्केट के अंदर से आ रहा है, ये देखिए, ये आप देखिए कितना धुआं आ रहा है। और आज है विश्वकर्मा पूजा, तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।